क्या पढ़ रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, बता दीजिए जल्दी से। बोलिए। कुछ तो बोलो यार, क्या बोल रहे पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? सर, रिलेशन बिटवीन ई एंड बी। हाँ, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पढ़ रहे थे, है ना? तो मैंने आपको प्रॉपर रिलेशन बताया था, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला, है ना? बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पोटेंशियल गिवन है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, ऑलरेडी डन है ना? यस सर। ये डन है, राइट? आज हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, ये हमारा आज का पहला टॉपिक है, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल कैसे निकलेगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत है? देखो, सबसे पहले तो आपको बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकालने के लिए नॉट एनी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड विल गिव यू अ पोटेंशियल। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कोई भी एक्सप्रेशन लिख दोगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर ले, इसकी कोई गारंटी नहीं, ठीक है बेटा? क्यों नहीं है गारंटी? क्योंकि एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड, है ना? तो सिर्फ वही एक्सप्रेशन काम करेंगे जो कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आया? कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, यहाँ ई एक्स ई वाई और ई जेड तीनों ही एक्स वाई जेड तीनों के फंक्शन है। समझ में आई बात? देखो, अगर ई एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन है तो उसमें कोई, मतलब ई एक्स सिर्फ एक्स का फंक्शन है, ई वाई सिर्फ वाई का फंक्शन है और ई जेड सिर्फ जेड का फंक्शन है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आप आसानी से सॉल्व कर पाओ। पर अगर कभी ऐसा हो जाए कि ई एक्स में एक्स वाई जेड तीनों आए, ई वाई में एक्स वाई जेड तीनों आए और ई जेड में भी एक्स वाई जेड तीनों आए, तो उस केस में बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन के अंदर ही ये जो इक्वेशन है, इट विल रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इट कैन रिप्रेजेंट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? क्या वो कंडीशन? इट कैन रिप्रेजेंट कंजर्वेटिव फील्ड ओनली इफ डो ई एक्स बाय डो वाई इज इक्वल टू डो ई वाई बाय डो एक्स, डो ई वाई बाय डो जेड इज इक्वल टू डो ई जेड बाय डो वाई एंड डो ई जेड बाय डो एक्स इज इक्वल टू डो ई एक्स बाय डो जेड। समझ में आई बात? आया ना? मतलब इसका डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में, पार्शियल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू जेड वाले का डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट, पार्शियल वाला। सिमिलरली जेड का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में इज इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन जेड के रेस्पेक्ट में। अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन में ये चीज़ें ट्रू हैं तभी, ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं तभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका कंजर्वेटिव फील्ड बता सकते, ठीक है बेटा? कोई दिक्कत?
कॉपी कर लो यहां तक। ठीक है, कोई दिक्कत है बेटा? नो सर, इसका रीजन मैं आपको नहीं बता सकता, ये बस ऐसा है, आपको ध्यान रखना है। कंजर्वेटिव फील्ड का ये टेस्ट है, ठीक है? अपने याद है कंजर्वेटिव कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है कि नहीं है, इसका एक टेस्ट देखा था कि भैया आप उसको इंटीग्रेट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना? इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है विदाउट नोइंग द पाथ, याद है 11th क्लास में कराया था कंजर्वेटिव फोर्स के लिए। वो तो क्या है कि आपका एकदम बेसिक मेथड हो गया, पर हमेशा काम नहीं करता ना, हो सकता है इंटीग्रेशन, हो सकता है हमसे हमको नहीं, हम नहीं कर पा रहे, है ना? तो उसका टेस्ट क्या है, ये वाला टेस्ट। अब इसके अंदर जाएंगे तो लंबी चौड़ी कहानी हो जाएगी, फिर सीधे सीधे ये एक टेस्ट कर लोगे जल्दी से पता चल जाएगा कि हाँ भैया ये इलेक्ट्रिक फील्ड या इवन ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नहीं है। ठीक है बेटा, ये सब कॉलेज के फर्स्ट ईयर में आएगा, चिंता ना करो। आगे बढ़े, कहने का मतलब है अगर आपको कभी दे दिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2xy i कैप प्लस x2j कैप। देखिए k है नहीं और नहीं यहां पे z है कहीं पे, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है? सिर्फ x एंड y में काम करने से हो जाएगा। तो और हमें चेक करना है कि क्या ये फोर्स कंजर्वेटिव, क्या ये फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं। हम क्या बोलेंगे, डो ई एक्स बाय डो वाई इज इक्वल टू डो डो वाई ऑफ 2xy, दैट इज इक्वल टू कितना आया, टू और एक्स तो कॉन्स्टेंट मानोगे, सिर्फ वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, 2x आएगा, आया ना? सिमिलरली डो ई वाई बाय डो एक्स कितना आया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x आ गया। दोनों इक्वल है, मतलब ये कंजर्वेटिव फील्ड। ठीक है बेटा, ये एग्जांपल दो, ठीक है? समझ में आई बात? कॉपी कर लो फटाफट। कॉपी हो गया ना? कॉपी देखो, पार्शियल इसका मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन। वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो एक्स को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो, टू तो कांस्टेंट है ही, एक्स भी कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लोगे तो क्या बचेगा, डो वाई बाई डो वाई क्या हो, वन हो गया। हो गया। ओके, देखो इन जनरल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दे रखा है fx i कैप प्लस gy j कैप प्लस hz k कैप, तो इसमें देखो डो ई एक्स बाय डो वाई करोगे तो कितना आएगा, जीरो ही आएगा ना, क्योंकि यहां पे वाई तो है ही नहीं, है ना? समझ में आई बात? इस सारे टर्म्स के आने वाले जीरो आने वाले, क्योंकि एक्स में सिर्फ ई एक्स में सिर्फ एक्स है, वाई और जेड नहीं है, ई वाई में सिर्फ वाई है, वाई और जेड नहीं, सब के सब जीरो आएंगे। इसका मतलब क्या है, ये हमेशा ही कंजर्वेटिव हो, तो इनमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत किसमें होती है, इस तरीके के क्वेश्चंस में जिसमें एक्स डायरेक्शन के फील्ड में वाई का कम वाई आ गया, वाई डायरेक्शन के फील्ड में एक्स आ गया, है ना?
चलो, तो अगर कभी इस तरीके का एक्सप्रेशन है हमारे पास तो हम इसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फील्ड। तो वापस से सॉल्व करते हैं, फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, पिछले वाला एक्सप्रेशन ले रहा हूँ, टू एक्स वाई आई कैप प्लस एक्स स्क्वायर जे कैप, ये एग्जाम्पल है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्यूशन। स्टेप वन, चेक फॉर कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करता भी है कि नहीं करता, क्या बोलेंगे, डो डो एक्स या डो डो वाई ऑफ टू एक्स वाई, कितना आया ये 2x आया, और डो डो वाई ऑफ डो डो एक्स आएगा, सॉरी डो डो एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो 2x, सो मतलब कंजर्वेटिव फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले चेक कर लेंगे, है ना, पहले भी चेक कर चुके, दोबारा मैंने जबरदस्ती करवाया। अब देखेंगे स्टेप टू, स्टेप टू लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, आपका ई एक्स कितना होता है, याद करिए, तो काम करो, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूँ, ये कॉपी कर लो, उसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक कॉपी कर लिए, हम क्या बोल रहे हैं, हम यहां लिख रहे हैं ई एक्स होता कितना है, माइनस डो वी एक्स बाय डो वाई होता है, सॉरी माइनस डो वी बाय डो ई होता है, हाँ डो एक्स होता है, हाँ कि हाँ या ना, होता है कि नहीं, यही होता है ना, ये स्टेप टू ऊपर शुरू हुआ, ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू माइनस, दिस इंप्लाइज, इसे नीचे लिखता हूँ, दिस इंप्लाइज ई एक्स है कितना, टू एक्स वाई है ना, ई एक्स कितना है, टू एक्स वाई, टू एक्स वाई है, इसका मतलब कि माइनस डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू टू एक्स वाई, राइट, कोई दिक्कत, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ई एक्स कितना था, टू एक्स वाई था कि नहीं था, इसका मतलब क्या हुआ, डो वी इज इक्वल टू टू वाई एक्स डो एक्स विद अ नेगेटिव साइन, है ना, y यहीं रहने दो, x ये 2x है, x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये y को बाहर क्यों निकाल लें इंटीग्रेशन, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहा था तो कांस्टेंट था, तो उसका रिवर्स प्रोसेस भी कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा, सो माइनस y, क्योंकि यहाँ 2 बचा, यहाँ x स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो माइनस y x स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट आएगा कि नहीं आएगा, हाँ है ना, बोलिए इंटीग्रेशन, ध्यान दीजिएगा यहीं पर सारा का सारा गेम, ये कांस्टेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन नहीं है, 2x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, मतलब इस कांस्टेंट के अंदर वो सारी चीजें कांस्टेंट है जिसको पहले से हम कांस्टेंट, सारी चीजें आ सकती है जिसको हम पहले से कांस्टेंट मान रहे थे, हाँ या ना, मतलब यहाँ क्या आ सकता है समझते,
समझाता हूँ, मतलब यहाँ पे आ सकता है आपका प्लस सम फंक्शन ऑफ वाई प्लस सम कांस्टेंट, आया ना? समझ में आई बात? कांस्टेंट के अंदर वाई का फंक्शन आ सकता है, क्यों? क्योंकि वाई को कांस्टेंट माना जा रहा है ना भाई यहां इंटीग्रेशन करते वक्त। सिमिलरली हम लिखेंगे माइनस डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू कितना, एक्स स्क्वायर। दिस मीन्स, हाँ बेटा, हाँ तो वही किया हूँ, नेक्स्ट स्टेप में वापस, एक स्टेप जबरदस्ती क्यों लिखो यार। दिस मीन्स डो वी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर डो वाई। अब इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि एक्स कॉन्स्टेंट वाई के रेस्पेक्ट में, तो इसको यहाँ इंटीग्रेट होगा। दिस मीन्स वी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सम फंक्शन ऑफ एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये इसको एफ नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे? जी लिखेंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग होंगे ना, ये वाला एफ वाई और ये, है ना? आया ना? समझ में आई बात? अब देखो पोटेंशियल का एक्सप्रेशन तो एक ही होना है, मतलब ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन बराबर होने चाहिए, हाँ या ना? तो अब जैसे हम इसको कंपेयर करेंगे, अगला स्टेप क्या है, कंपेयर करो। हमें क्या पता चलेगा? देखो यहां पे एक्स स्क्वायर वाई और मतलब माइनस एक्स स्क्वायर वाई तो दोनों तरफ कॉमन आ चुका है, ठीक है, बचा हुआ है एफ वाई प्लस सी जी एक्स प्लस सी। अब देखो एफ वाई और जी एक्स अभी सेम हो सकता है क्या? नहीं ना, ये वाई का एक्सप्रेशन, ये एक्स का एक्सप्रेशन है, कभी इसके भी सेम होगा? तो इस केस में हमेशा ऐसा होता, जरूरी नहीं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हुआ, जी एक्स इज इक्वल टू एफ वाई, दैट मीन्स इट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा यहां पे C1 करते हैं, यहां पे C2 करते हैं, ऑल्सो ये तो कॉन्स्टेंट ही है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू लेट्स से C, देन वी विल हैव V इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस सम कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। देखो यार y का कोई एक्सप्रेशन और x का कोई एक्सप्रेशन कभी इक्वल हो सकता है क्या? दोनों को अगर इक्वल करना तो मतलब दोनों को जीरो करना ही पड़ेगा ना। या ये सिर्फ fy है, यहाँ पे x नहीं आ सकता, ये सिर्फ gx है, यहाँ पे y नहीं आ सकता, तो ये दोनों कभी इक्वल तो हो नहीं सकते हमेशा x और y की हर एक वैल्यू के लिए। देखो एक बार इसे कॉपी करो, फिर मैं और समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में कि क्या किया हमने आखिरकार यहाँ पे कंपेयर करते वक्त। हो गया? देखो
बात को समझो, हमारे पास पहला एक्सप्रेशन था v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एफ वाई था ना, हाँ एफ वाई प्लस सी वन, और दूसरा था v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एफ एक्स प्लस सी टू, राइट? यही थे ना दो एक्सप्रेशंस। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपके किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पॉइंट ए का ही पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट बी का ही पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट सी का ही पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब आप 2D प्लेन में नहीं, आप 3D में कहीं कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उसका पोटेंशियल आपको इस एक्सप्रेशन से मिल रहा है। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? यही ना निकाल रहे हैं। अब देखो यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग होगी, यहां पर अलग होगी, यहां पर अलग होगी, राइट? और ये एक्सप्रेशन इन सब जगहों पे पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब कि x और y की वैल्यू से इंडिपेंडेंटली ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए, आया ना? x की कुछ भी वैल्यू डालो, ये y की कुछ भी वैल्यू डालो, ये दोनों बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? मतलब ये क्या है, या तो जीरो मान लो या कोई कॉन्स्टेंट मान सकते हो, fx इक्वल टू फाइव, fy इक्वल टू फाइव, पर कांस्टेंट मानते हैं तो C1 में जाके तो कांस्टेंट में एडजस्ट हो जाएगा ना, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसलिए हमने इन दोनों को क्या मान लिया, जीरो मान लिया। अगर आप फाइव मानोगे तो क्या हो जाएगा, फाइव प्लस सी वन, फाइव प्लस सी टू। अब मैं फाइव प्लस सी वन को सी बोल दूंगा, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ऐसा तो कोई एक्सप्रेशन नहीं हो सकता ना वाई में, जो वाई की कुछ भी वैल्यू डालो वो वही वैल्यू देगा जो एफ एक्स में एक्स की कुछ भी वैल्यू डालो उससे उसके बराबर हो जाए। कोई एक्सप्रेशन तो हो नहीं सकता। आप ऐसा कर सकते हो क्या कि एफ वाई वाई स्क्वायर हो गया और एफ एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, ये कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सर एक्स फाइव था, वाई टू था, बराबर हुए क्या? नहीं ना। बात समझिए, ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, ये एक्सप्रेशन भी ट्रू है, इसका एक ही उपाय है कि इन दोनों को जीरो कर दो। समझ में आई बात? इसलिए दोनों को जीरो कर दो। क्या? ये मतलब ये दोनों एब्सेंट ही है, तत्कालीन खत्म है ही नहीं। एक और एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, ठीक है? इसको मिटा दे रहा हूं। देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं मान रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है? लेकिन इसके क्वेश्चन आ चुके हैं अलग अलग एग्जाम्स में, तो एक बार बताना जरूरी है, क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो खुद से सोच के नहीं कर पाऊंगा, ठीक है? जिसको ऊपर लिख देता ना, क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस वाई आई कैप प्लस टू वाई जे कैप, अच्छा टू एक्स जे कैप, ठीक है बेटा? क्या करेंगे? बहुत सिंपल है। क्या होगा यहाँ पे?
हम बोलेंगे इसका मतलब क्या हो गया, माइनस डो वी बाय डो एक्स कितना है, 2x+2y, यही है ना। चेक कर लेते, सही बात है। स्टेप वन में चेक करते हैं, डो ex बाय डो y कितना आया, 2 आया, एंड डो ey बाय डो x कितना आया, 2 ही आया, है ना। मतलब कि सही है। दूसरा स्टेप क्या लिखेंगे, डो माइनस डो वी बाय डो एक्स इज इक्वल टू 2x+2y एंड माइनस डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू 2x, राइट है ना। यस इसका मतलब क्या हो गया, माइनस डो वी इज इक्वल टू 2x/2y डो एक्स, दिस इंप्लाइज माइनस वी इज इक्वल टू क्या आएगा यहां पे, क्या यहां पे एक्स स्क्वायर आएगा। और यहां से क्या आएगा, प्लस 2xy आएगा, प्लस yes, सम फंक्शन ऑफ वाई प्लस कॉन्स्टेंट आए ना। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है इसमें तो बता दो कैसे बेटा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में जो आप इंटीग्रेट कर रहे हो y को कांस्टेंट मानते हुए, तो आंसर में कोई भी कांस्टेंट आ सकता है ना, और वो y कांस्टेंट ही है, y को अपने कांस्टेंट मान रखा है। ना मतलब डिफरेंशिएट करते वक्त आपने y को कांस्टेंट माना था, मतलब जो एफ वाई था उसको डिफरेंशिएट करके जीरो लिखा था, तो जब इंटीग्रेट कर रहे हो तो वापस से प्लस एफ वाई लिखोगे कि नहीं लिखोगे, समझ में आई बात। सो माइनस माइनस डो वी एक्स बाय डो वाई कैसे, टू एक्स है, यहाँ से क्या निकलेगा, दिस इंप्लाइज माइनस डो वी इज इक्वल टू 2x/2y, दिस मीन्स यहाँ क्या होगा, माइनस वी इज इक्वल टू 2xy, बस इंटीग्रेट करके तो ये है ना। और तो कुछ आया नहीं, प्लस लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया तो जी एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, अच्छा प्लस सम कांस्टेंट। एक काम करते हैं, इसको सी वन कर देते हैं, इसको सी टू कर देते हैं, कोई दिक्कत, दिस इज इक्वेशन गया। टू। अब क्या करोगे, नाउ वी विल कंपेयर वन एंड टू, कंपेयर करके देखो, 2xy यहां पे भी है, 2xy देखो दोनों जगह LHS में माइनस भी है, तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना। 2xy यहां पर भी है, 2xy यहां पर भी है, राइट लेकिन यहां पर ये यह एक्स स्क्वायर है, यहां पे एक्स स्क्वायर नहीं है, मतलब क्या है, जी एक्स क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो जी एक्स हैज टू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, समझ में आई बात। कोई दिक्कत, सिमिलरली जी वाई कितना होना चाहिए, जीरो, है ना। हर जी हाँ सर, ये क्या है, एफ वाई, क्योंकि यहां पर एफ वाई है, यहां वाई का कोई टर्म है ही नहीं, है क्या, नहीं समझ में आई बात। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया माइनस वी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस सी, दिस मीन्स वी इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस सम कॉन्स्टेंट। आप बोलोगे सर माइनस करना चाहिए, माइनस लिख लो प्लस लिख लो, कॉन्स्टेंट है, फर्क नहीं पड़ता, है ना।
ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है बताए बार बार, ये बता सकता है ये कांस्टेंट क्यों आ रहा है बार बार? बेटा क्योंकि कांस्टेंट जो है, सॉरी पोटेंशियल जो है वो तो किसी ना किसी पॉइंट पे जीरो मानने के बाद निकलता है ना, रेफरेंस फ्रेम से निकलता है ना, रेफरेंस पॉइंट से निकलता है ना। समझ आ रही बात? ये कांस्टेंट बता रहा है कि जब एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे उस वक्त आपने पोटेंशियल कितना मान रखा, मतलब ओरिजिन पे आपने कितना पोटेंशियल मान रखा है, ये कांस्टेंट बता रहा है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? अब किसी का कहना है, पूछना है कि सर व्हाट इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव? देखो यार, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव नहीं होगा तो पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं होगा। पोटेंशियल निकालोगे कैसे? लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट कंजर्वेटिव, देयरफॉर पोटेंशियल कांट बी फाउंड, कहानी खत्म। ओके, पोटेंशियल देख, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए डिफाइंड थी? सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड थी ना। फ्रिक्शन का पोटेंशियल एनर्जी लिखो कभी, लिखे हो कभी? नॉर्मल टेंशन किसी का पोटेंशियल एनर्जी लिखे हो? नहीं लिखे हो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइंड है। ओके, तो पोटेंशियल भी सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए ही डिफाइंड है, कंजर्वेटिव फील्ड्स के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है बेटा? यस सर। देखो ये एक डिफिकल्ट पोर्शन था, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, मैंने इसको कंप्लीट कर दिया। इसके आगे दोबारा से हम लोग नॉर्मल चीजों पे आ जाएंगे। ठीक है बेटा? Yes, वैसे डिफिकल्ट सिर्फ पहली बार देखने में, एक बार खुद से कर लो ना, लगेगा यार ये तो लल्लू चीज है, इसका तो कोई भी क्वेश्चन बना। ठीक है, करना ही क्या है, सोच के देखो। हमें ऑलरेडी पता है ई एक्स कितना होता है, माइनस डू वी बाई डू एक्स, ई वाई कितना होता है, माइनस डू वी बाई डू वाई, राइट? दोनों को इक्वेट कर दिया, इंटीग्रेट करते वक्त, पार्शियल इंटीग्रेशन करते वक्त सिर्फ एक चीज का एक्स्ट्रा ध्यान रखना है जो आज तक आपने नहीं किया था। जब कांस्टेंट लिख रहे हो तो उसमें जब एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो तो एफ वाई भी लिख दो, वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो जी एक्स भी लिख दो, इतना ही तो करना है। आया ना? उसका दोनों को कंपेयर करोगे तो ऑटोमेटिकली एफ वाई और जी एक्स की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है बेटा? कोई दिक्कत? अरे देखो ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट करके देखो ना भाई, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक तो कांस्टेंट होगा, 2x का डिफरेंशिएशन 0, 2y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कितना आएगा, 2 ही आएगा ना। yes. मैंने नंबर ऐसे दी इसमें 2 आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। yes, चलो फिर ज़्यादा परेशान मत हो उस चीज़ को लेकर। अब लिखेंगे हम लोग अगला टॉपिक, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल याद है पिछले क्लास में मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था डाइपोल, उसमें क्या किया था हमने, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था बस। वो इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कि भूल गए? अगर ये मेरा डाइपोल है, डाइपोल का मतलब क्या होता है, एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज है ना। अगर ये हमारा डाइपोल वेक्टर है, डाइपोल मोमेंट है, तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर या आर डिस्टेंस पर लिखा था हमने, तो आर ही लिख लो। यहाँ से हमने आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तो किधर आया था, इधर आया था, डाइपोल के डायरेक्शन में आया था। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, टू के पी बाय आर क्यू। डायरेक्शन क्या था, ये आर कैप वाली डायरेक्शन था एक्सिस पर, है ना, इसलिए हमने लिखा नहीं था यहाँ पे, ये बस ऐसे बता रहा था। जब इक्वेटर पे गए थे तो क्या एक्सप्रेशन आया था, हाँ जैसा क्या एक्सप्रेशन आया था, माइनस के पी बाय आर क्यू, राइट?
यहाँ पे पी वेक्टर लगा सकते हैं, है ना? कोई दिक्कत है इसमें? मैंने आपको याद करने के लिए बताया था जबरदस्ती का मेथड था। क्या जबरदस्ती का मेथड था? यार देखो ये जो माइनस साइन है, यहाँ देखो यहाँ टू था, ये स्लाइटली डिफिकल्ट है, यहाँ टू नहीं था, स्लाइटली ईजियर है, तो उस डिफिकल्टी लेवल को बैलेंस करने के लिए माइनस साइन यहाँ आ गया, है ना? समझ में आई बात? कुछ खास नहीं, फालतू बात है। जबरदस्ती कुछ भी अगर बोलना हो याद करने के लिए तो वो सब चीज़ें। अगर हम किसी थीटा पर जाए तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था? इसके दो कंपोनेंट मालूम है हमें, है ना? एक तो इधर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना है ये, इस पर क्या बोलते हैं, ई रेडियल, ये कितना था, सब भूल चुके हैं, है ना? और एक ई टेंजेंशियल है, कितना ई टेंजेंशियल, यही है ना भाई, ये कुछ और है, यही पढ़ा था ना? ये तो हो गए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, कवर कर चुके हैं। अब बात आती है पोटेंशियल निकालने, तो पोटेंशियल कैसे निकाला जाए, तो ध्यान दो, हमें पता है कि E रेडियल विल बी इक्वल टू माइनस डू वी बाय डू आर, आया ना, या माइनस डू के लगाएंगे डी वी बाय डी आर लिखेंगे, है ना? राइट बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने की कोशिश करेंगे, इस पॉइंट पी तक आने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम इसी रास्ते के लॉन्ग आ जाएंगे। इससे क्या होगा, ये जो टेंजेंशियल फील्ड है ये कोई वर्क नहीं करेगा, करेगा क्या, इसी पॉइंट पी पे हम लोग टेंजेंशियल डायरेक्शन में आ जाएंगे, समझ में आई बात? ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन से हम लोग पॉइंट पी तक आ जाएंगे, तो रेडियल डायरेक्शन से आएंगे तो टेंजेंशियल फील्ड कोई वर्क नहीं करेगा, तो हम लोग सीधे सीधे ई रेडियल इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर करके अपना क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दैट मीन्स 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, विच मीन्स डी वी इज इक्वल टू माइनस 2kp cos थीटा तो कॉन्स्टेंट है, इंटू डी आर बाय आर क्यूब, इसे इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, जब आर इन्फिनिटी था तो पोटेंशियल कितना था, जीरो, आर पे पोटेंशियल निकालना है, क्या आ जाएगा आंसर, माइनस 2kp cos थीटा, ये आर टू पावर माइनस 3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, आर टू पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, यही होगा ना, तो ये माइनस टू माइनस टू कैंसिल हो गए, क्या बचा, दिस मीन्स वी इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, किसी को कोई आपत्ति, आया ना? नो सर। पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या आ गया, के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये याद रखना है, ठीक है बेटा, इसमें कोई टेंजेंशियल रेडियल दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है किसी पॉइंट पे, है ना बेटा, यहाँ थीटा क्या है, एंगल मेड विथ डाइपोल, एंगल दैट आर वेक्टर मेक्स विद द डाइपोल, ओके बेटा। अब देखो जब आप डाइपोल देखते हो ना, 2D देखते हो, आप सोचिए आप 3 डायमेंशन में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल सको, ये कोन का हर एक पॉइंट का पोटेंशियल है ना, ये आया ना, इस कोन का ये जो सर्कल बनेगा, इस कोन का, समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो बात,
वो सारे के सारे यहाँ थीटा एंगल पर ही होंगे, सारे के सारे आर डिस्टेंस पर ही होंगे, राइट। तो उन सब जगह का पोटेंशियल क्या है, यही आएगा, ठीक है। आप लोग 2D में देख सकते ये सब चीजें नजर नहीं आती हैं, लेकिन दिमाग में आपके क्लियर होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो तीन फॉर्मूले आ गए, ये आ गया एक्सिस का, ये आ गया इक्वेटर का, ये आ गया रेडियल, ये आ गया टेंजेंशियल और ये आ गया पोटेंशियल। समझ में आई बात, सब याद रहेगा ना कि भूल जाओगे? कॉपी हो गया, यस सर। ठीक, अगला है इसी में, पोटेंशियल एट इक्वेटर। कौन सा? नहीं ये तो जनरल पॉइंट पे था, थीटा एंगल पे है ना, है ना। तो इक्वेटर पे क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, दैट मींस वी इज इक्वल टू जीरो। क्यों? बहुत सिंपल सी बात है, एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज, आप इसके परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे हो। इक्वेटर का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर वाई सेक्टर पे हो ना, है ना। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, समझ में आई बात? तो सिर्फ मतलब और इक्वेटर ध्यान दीजिएगा, ये इक्वेटर नहीं है, इक्वेटोरियल प्लेन है, इन दोनों को जॉइंट लाइन को बाइसेक्ट करने के लिए पूरा प्लेन बनेगा ना। समझ में आई बात? अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखेंगे यहां पे तो कैसे नजर आएंगे, उसको सोचिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैसे दिखेंगे? ऐसे दिखेंगी, समझ में आई बात? है ना, ये जो प्लेन है यहां पर देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं है,
बताइए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्वेटोरियल प्लेन, हाँ या ना? दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? इसका मतलब क्या हुआ, इस प्लेन पे अगर मैं माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर करता हूं तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा दोनों के बीच, क्योंकि एंगल कितना 90 डिग्री का है अगर मैं प्लेन के ऊपर मूव करता हूं तो। दैट मीन्स डी वी इज इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स द प्लेन इज, हर एक प्लेन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, डेल्टा वी जीरो हो गया, राइट? दैट मीन्स प्लेन हैज कॉन्स्टेंट पोटेंशियल, उसको क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल प्लेन। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है? फिर जो भी है, हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने सीखा दो बातें। पहले तो पोटेंशियल निकालना सीख लिया, क्या आता है, केपी बाय केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक है, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, चार्ज की वजह से क्या आ रहा था, के क्यू बाय आर, और डायपोल की वजह से कितना आ रहा है, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि डायपोल में ऑलरेडी एक डायमेंशन है ना लेंथ का, डायपोल मोमेंट में क्यू इंटू एल है ना वो, है ना? ओके, अब देखिए दूसरी चीज क्या देखी, कि हमारा जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है वहां पे पोटेंशियल, सॉरी, जो इक्विटोरियल प्लेन है वहां पे पोटेंशियल जीरो होगा, अज्यूमिंग कि इन्फिनिटी है, पोटेंशियल जीरो है, और उसको हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं क्योंकि वो उसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, जीरो है। जीरो तो यहां से प्रूफ कर लिया, सेम है, अगर हर जगह जीरो सेम होगा ही होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी देख लिया कि हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है उसको परपेंडिकुलर है, इसलिए अगर आप इस प्लेन के ऊपर मूव करोगे तो कोई वर्क नहीं होगा फोर्स, क्योंकि इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन लग रहा है, राइट? हाँ या ना? आगे बढ़े, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। इक्वी पोटेंशियल प्लेन का बस मैंने एक बार यहाँ पे जरूरत पड़ी मैंने बता दिया, जब डायपोल पूरा खत्म कर लेंगे उसके बाद हम लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस पढ़ेंगे, ठीक है? उसके बाद अर्थिंग है, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म, मतलब मेजर टॉपिक अर्थिंग। अब अर्थिंग के अंदर बहुत कुछ हो सकता है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसके एप्लीकेशन आ सकते हैं, बट उसके बाद ये थ्योरी वाइज चैप्टर खत्म हो जाएगा। एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी में, बट फिर भी मेजर टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे। ओके बेटा, ठीक हो गया, समझ में आ गया ये? चलो तो अब देखते हैं, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रख दें तो क्या होगा? डायपोल है क्या? सर, डायपोल एक प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है, जो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, किसी भी तरीके से अटैच हो सकते हैं। मैं जबरदस्ती डंडा बना रहा हूँ, डंडा होता नहीं है, ये प्लस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, और ये सिस्टम आपके एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हो, ठीक है बेटा? तो क्या होगा, क्या इस प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यस सर, लगेगा। कितना लगेगा? क्यू ई लगेगा। क्या माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? यस सर, नेगेटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? सर, क्यू ई ही लगेगा। तो क्या सर नेट फोर्स कितना हो, जीरो होगा? बिल्कुल जीरो हो जाएगा। एफ नेट कितना है? जीरो। समझ में आई बात?
इस डायपोल के दोनों चार्जेस के बीच में मान लेते हैं डिस्टेंस एल है, तो डायपोल मोमेंट कितना है, क्यू इंटू एल है, राइट। डायरेक्शन तो हम लिख लिया, इसलिए वेक्टर लगाया नहीं मैंने। अच्छा, तो क्या क्योंकि नेट फोर्स जीरो, तो क्या ये इक्विलिब्रियम में है, हाँ या ना? नो। इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ऐसे पढ़ा रहेगा क्या, पढ़ा रहेगा ऐसे? क्यों नहीं पढ़ा रहेगा? क्योंकि इवन दो फोर जीरो है, देर इज सम टॉर्क, राइट। क्या हो रहा है इस डंडे पे, यहां पर इधर फोर्स लगा रहे हो, यहां पर इधर फोर्स लगा रहे हो, ये तो कपल होगा ना, फोर्स कपल होगा ना, टॉर्क लगेगा ना इसकी वजह से। वो टॉर्क कितना होगा देखते हैं। देखो ये एंगल थीटा है मान लेते हैं, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू आर परपेंडिकुलर, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, ये वाला है ना, दोनों फोर्सेस के बीच में परपेंडिकुलर, दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। That is equal to QL into E sin theta. That is equal to PE sin theta. या आप लिख सकते हो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। डायरेक्शन चेक करके देख लो सही है कि नहीं। चेक कर लो सही है कि नहीं है डायरेक्शन। देखो ये रहा पी वेक्टर, ये रहा ई वेक्टर, पी वेक्टर और सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ रहा है, बाहर के अंदर, अंदर आ रहा है। और इस टॉर्क का डायरेक्शन किधर आ रहा है, क्यू क्यू की वजह से, दोनों फोर्सेस की वजह से अंदर ही आ रहा है, हाँ है ना। मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का, पी साइन थीटा, विच इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। तो टॉर्क का एक्सप्रेशन क्या बन गया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, डायरेक्शन भी सेम है, मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो वेक्टर सेम ही है ना। समझ में आई बात? अब उसमें नोट डालने लायक बात क्या है कि डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज अपोजिट टू थीटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा चेक करो। टॉर्क का डायरेक्शन अंदर है, थीटा का डायरेक्शन किधर है, बाहर है कि नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज है ना, बाहर होगा, राइट। थीटा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन का एंगल। समझ में आई बात, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, डाइपोल इधर है, तो ये थीटा है, समझ में आया? इसलिए हम अगर कई बार इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टाउ इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा। अगर हम सिर्फ थीटा के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह से नहीं बता रहे हैं, तो हम एक माइनस साइन लगाते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट कि जो टॉर्क है थीटा के अपोजिट डायरेक्शन। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। कॉपी कर लो।
आगे बढ़ू। अगला है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बेसिकली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ही चल रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ डाइपोल ही चल रहा है। हमने अभी तक टॉर्क निकाला, आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। देखो ध्यान दो, सबसे पहले तो हम इसमें देखेंगे रेफरेंस पॉइंट। कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना पड़ेगा ना, किसी न किसी पोजिशन में है ना। नहीं सुनो, रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन कहना चाहिए, जो भी है। देखो क्या है, इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नाउ इमेजिन दिस कि आपके पास एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू, दोनों चार्जेस एक ही लोकेशन पर पड़े, प्लस क्यू भी यही है माइनस क्यू भी यही है, तो कोई चार्ज है क्या, कोई चार्ज है, नेट चार्ज है क्या? तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? मान सकता हूं। चार्ज है ही नहीं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसका समझो, मैं अगर यहां पर एक ये वाला प्लेन खींच दूं या लाइन खींच दूं, जो भी समझ लो आप, प्लेन समझ लो, लाइन समझ लो, जो लाइन या प्लेन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मैंने क्या किया, इस प्लस क्यू चार्ज को इसी प्लेन के डायरेक्शन में मूव किया, इसी या इसी लाइन के डायरेक्शन में मूव किया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, मेरे पास हो जाएगा यहां पर माइनस क्यू चार्ज और यहां पर प्लस क्यू चार्ज, राइट? हाँ ना, डाइपोल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, डाइपोल बन जाएगा। मैंने पहले माइनस क्यू प्लस क्यू दोनों एक ही जगह पे था, मैंने यहां से प्लस क्यू को मूव करके यहां ले गया, यहां से प्लस क्यू को मूव करके मैं यहां ले गया, डाइपोल बन जाएगा। Yes. बन जाएगा। अब देखिए, जब मैं प्लस क्यू को यहां से मूव करके यहां लेके गया, इसमें वर्क डन कितना हो? देखो सर, पूरे के पूरे रास्ते में फोर्स लग रहा था इधर और डिस्प्लेसमेंट हो रहा था इधर, तो वर्क डन कितना हुआ, जीरो हुआ, राइट? तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ, जीरो हुआ, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पहले ही बोल चुके हम लोग जीरो, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं था, राइट? तभी भी पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, जीरो। समझ में आई बात? वैसे भी ये जो प्लेन है या ये जो लाइन है, ये क्या है, इक्विपोटेंशियल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह इसके नॉर्मल डायरेक्शन में। अभी थोड़ी देर पहले क्या था ना, डाइपोल के इक्वेटर पे इक्विपोटेंशियल प्लेन देखा था, देखा था कि नहीं देखा था? तो ये क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल प्लेन है, इसमें चार्ज को मूव करने पे कोई वर्क होगा नहीं, ठीक है। यहां का पोटेंशियल सेम है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों इक्वल पोटेंशियल पे रखे हुए, इसलिए नेट पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, ठीक है बेटा, ओके। तो ये तो हमारा रेफरेंस पॉइंट क्या हुआ, या रेफरेंस फ्रेम क्या क्या हुआ, पॉइंट की जगह रेफरेंस फ्रेम बोलना चाहिए, कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो व्हेन डाइपोल इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमारा कन्वेंशन हो, ठीक है बेटा। इस लोकेशन पे हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना है, इस पोजीशन में, ओके। इसके बाद आपको इसके प्रूफ करने के दो तरीके, एक तो है सिंपल फोर्स से, एक है टॉर्क से। ये मूव करके यहां चलेंगे चार्ज प्लस क्यू एक्स डिस्टेंस, ठीक है। उस वक्त डायपोल ये वाला डिस्टेंस डी था, तो डायपोल मोमेंट कितना है, क्यू डी है ना, बोलिए क्यू डी है कि नहीं? यस सर।
काम करता हूँ, ये डिस्टेंस डी है और ये वाला एंगल जब ये इधर से मूव करके गया तो डायपोल ने इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा एंगल बनाया, डायपोल मूवमेंट है क्यू डी और हमारा पोजीशन ए से पोजीशन बी में वर्क डन कितना हुआ? कितना हुआ? क्यू इंटू ई इंटू एक्स, दिस इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यू ई फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, है ना? आया ना? भाई ये प्लस क्यू चार्ज जब यहां पॉइंट ए से पॉइंट बी में गया तो वर्क कितना हुआ? क्यू ई फोर्स इंटू एक्स, और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? माइनस डेल्टा वी होगा कि नहीं होगा? बोलो ना, दैट इज इक्वल टू क्यू ई इंटू एक्स कितना है? तो सर एक्स हो जाएगा डी कॉस थीटा, देख लो जरा, है ना? दिस इंप्लाइज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस क्यू डी इंटू ई इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है बेटा, हाँ क्योंकि क्यू ई फोर्स है ना बेटा, क्यू ई फोर्स कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना। तो पोटेंशियल कितना हुआ? हाँ बोलिए। देखो भाई, चार्ज जो था वो पॉइंट ए से बी तक गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स लगा रहा है कितना? क्यू ई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स। तो वर्क डन कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? क्यू ई इंटू एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? अब ये एक्स है कितना इस ट्राइंगल में? देखो ये, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है कि नहीं है? ये डी है, ये थीटा है, तो क्या हो जाएगा? एक्स कितना हो जाएगा, है ना? सॉरी, क्यू इंटू डी कॉस थीटा, सॉरी क्यू इंटू डी कॉस थीटा। कोई दिक्कत? और वर्किंग बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? माइनस डेल्टा वी होगा। क्यू डी कितना हो गया? पी ई कॉस थीटा। दिस इंप्लाइज डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस मीन्स डेल्टा वी क्या है? यहाँ पे पोटेंशियल माइनस यहाँ पे पोटेंशियल डेल्टा वी के बोलो, डेल्टा यू बोलना चाहिए ना, डेल्टा वी गलत लिख गया, सॉरी। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा ना, तो डेल्टा यू कितना हो गया? माइनस पी कॉस थीटा। That means U final minus U initial कितना था? जीरो था ना, A पे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, जब ये वाला चार्ज तो फिक्स रखा है मैंने, ये वाला चार्ज जब यहाँ था तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? जीरो थी कि नहीं थी? तो दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। दिस मीन्स आपका पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया? माइनस पी ई कॉस थीटा को मैं पी वैक्टर डॉट ई वैक्टर बोल सकता हूँ, तो ये मेरा आंसर, ठीक है? ठीक है, देखो ये वो मेथड है जो मुझे पसंद है, क्योंकि मैं इसको अगर कभी भूल जाऊं तो ओरल डिराइव कर सकता हूं। क्या है? क्यू ई इंटू एक्स, एक्स इतना डी कॉस थीटा, क्यू ई डी कॉस थीटा माइनस, है ना?
समझ में आई बात? तो ये मेरा एक मेथड हुआ, बट स्कूल में ये वाला मेथड मत लगाना, ठीक है? स्कूल में क्या करेंगे बताता हूँ, इसको मिटा दूँ, काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ अभी, इसको कॉपी करो, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है? एक ही तो चीज़ है यार, कोई जरूरत ही नहीं, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। कॉपी हो गया, ओके। सो इसका ऑल्टरनेट मेथड क्या है भाई? काफी आसान है ऑल्टरनेट मेथड भी। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, काम करो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइपोल को ऐसा रख दो और उसके बाद उस डाइपोल को रोटेट करो, ठीक है? समझ में आई बात? तो इस पे टॉर्क कितना लग रहा होगा? माइनस पी साइन थीटा लग रहा होगा। माइनस एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये थीटा के अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, राइट? आया ना? दिस इंप्लाइज डी डब्ल्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? टाउ डी थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। दैट मीन्स माइनस डी वी इज इक्वल टू माइनस पीई साइन थीटा डी थीटा। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब थीटा 90 डिग्री था उस वक्त हमने पोटेंशियल को जीरो माना, किसी जनरल एंगल थीटा पे पोटेंशियल निकालना है। दिस इंप्लाइज माइनस माइनस तो प्लस ही हो गया। दिस इंप्लाइज वी इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए तो जरा। वी, फिर से वी लिख दिया हमने, क्या चल रहा है? इतने से वी कर रहा हूँ ना, दिमाग में से वी बैठा हुआ है। ठीक है, हाँ, क्योंकि हम जनरल एंगल, ध्यान दो मेरे को, थीटा हम लोग हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाय कन्वेंशन हम लोग डिसाइड कर चुके हैं। थीटा किसको लेंगे हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल मेजर करेंगे, है ना? हम दो से दो, जब टॉर्क डिफाइन किया हमने, जब टॉर्क के लिए एक्सप्रेशन लिखा तो उसमें थीटा ऑलरेडी एंगल किसके बीच में था? इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच में, राइट? इस एंगल को थीटा पहले बोल चुके हैं ना हम लोग, थीटा पहले से डिफाइंड है हमारा, दो पेज पहले से डिफाइंड है। अब उस थीटा को हम लोग बोलते हैं कि जब थीटा 90 डिग्री था उस वक्त पोटेंशियल जीरो, ये हमें मालूम है। तो हमने एक लिमिट ही डाली कि थीटा 90 डिग्री या पाई बाय टू डालोगे तो पोटेंशियल जीरो आएगा, तो जनरल थीटा पे पोटेंशियल कितना होगा ये निकाल, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? माइनस बी वेक्टर डॉट ई वेक्टर। तो दो फॉर्मूले क्या है हमारे पास? टाउ वेक्टर इज इक्वल टू
पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई। देखो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल सी बात है, डॉट प्रोडक्ट आसान होता है कि क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए एक माइनस लगा, ठीक है, समझ गए, माइनस साइन कहाँ, या इजी को थोड़ा, डिफिकल्टी को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर रहे हैं, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मले में ले लो चाहे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मले में ले लो, ठीक है बेटा। सबको क्लियर है यहां तक कि नहीं क्लियर है? क्योंकि हमने थीटा से कंपेयर किया था तो थीटा का डायरेक्शन और टॉर्क का डायरेक्शन अपोजिट आ, ठीक है, माइनस साइन ओनली रिप्रेजेंट्स कि टाउ वेक्टर इज डायरेक्टेड अपोजिट टू थीटा, इसलिए जब हम थीटा के टर्म्स में इंटीग्रेट करने जा रहे हैं तो हमें माइनस लगाना पड़े, है ना। आगे बढ़े, तो टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के फॉर्म में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया वापस से देखते हैं, माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर दैट इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मिनिमम कब है, व्हेन कॉस थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम, दैट मींस थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, माइनस पी, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, प्लस पी, यू मैक्स माइनस यू मिन कितना है, 2 PE, पोटेंशियल एनर्जी एट 90 डिग्री कितना है, जीरो। समझ में आई बात, इन रिजल्ट्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूले से ऑब्वियसली एक लाइन में निकाल सकते हो बट याद भी रखना, याद नहीं बोलना चाहिए, ध्यान रखना कहना चाहिए, सब रटना थोड़ा ना पड़ेगा ये चीजें, बस पता होनी चाहिए, हाँ ऐसा ऐसा होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डायपोल पॉइंट करेगा तो उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, खुला छोड़ दोगे तो डायपोल ऑटोमेटिकली किस डायरेक्शन में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा। एक और चीज देख लो, बेसिकली कॉस थीटा का ग्राफ है ना, लेकिन विद माइनस साइन, तो ग्राफ कैसा आएगा, यू और थीटा के बीच में ऐसे आएगा ना ग्राफ, आया ना, समझ में आ रही बात। क्लियर है? तो देखो इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम से बहुत बार इसके ऊपर, डाइपोल में इनफैक्ट जो भी फॉर्मूले मैंने आपको बताया उन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम, बाकी एग्जाम से भी आए हैं बट बोर्ड एग्जाम का ये फेवरेट टॉपिक है, क्यों, आसान है, इसलिए इससे बोलेगा फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू टर्न द डायपोल फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी टू वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, समझ में आई बात। तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कितनी, माइनस पी, यहां से पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेके जाना है, मतलब क्या हो गया, कितना वर्क करना पड़ेगा, प्लस पी, है ना, आया ना, लल्लू चीजें है ना एकदम। चलो फिर
इस पे क्या ही क्वेश्चन कराऊं यार, आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अगला टॉपिक क्या होगा? डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है बेटा, डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, यूनिफॉर्म में हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म में हो, टॉर्क कैसे मिलेगा? तो सर टॉर्क मिलेगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर से। क्यों? क्योंकि डाइपोल बहुत छोटा है तो उसकी लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, तो टॉर्क इस एक्सप्रेशन से मिल जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर से ही मिलेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बट फर्क क्या पड़ेगा? तो आपका जो नेट फोर्स है ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो यूनिफॉर्म नहीं है, है ना बेटा? Yes, देखिए, अगर ये मेरे पास डाइपोल है तो मतलब एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है ना। लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी होगा उसके कुछ कंपोनेंट्स डाइपोल के लॉन्ग होंगे और कुछ कंपोनेंट्स डाइपोल के परपेंडिकुलर होंगे, है ना? कोई दिक्कत? समझ में आई बात? Yes. तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स एक्स डायरेक्शन में होगा वो किसकी वजह से होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन में होगा ना, क्योंकि हम जो बात को फोर्सेस कैसे लगेंगे इस प्लस क्यू चार्ज पे, क्यू ई एक्स क्यू ई वाई ऐसे ही लगेगा ना, और माइनस क्यू चार्ज पे क्यू ई एक्स क्यू ई वाई ऐसे ही ना फोर्स लगेगा, आया ना? समझ रहे हो बात को? तो बेसिकली एक्स डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ एक्स कंपोनेंट से लगेगा और वाई डायरेक्शन में फोर्स सिर्फ वाई कंपोनेंट से लगेगा, राइट? बोलो। तो मैं ये कह रहा हूं कि एफ एक्स जो आएगा वो कितना हो जाएगा, क्यू ई एक्स एट द लोकेशन ऑफ प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू ई एक्स एट द लोकेशन ऑफ माइनस क्यू चार्ज, राइट? कोई दिक्कत? क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स लिख दूं मैं इस लोकेशन पे, उस लोकेशन पे डेल्टा ई एक्स है, हाँ या ना? बोलो ना भाई। यार इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंस ही तो आया, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का। दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा ई एक्स बाय, अगर इसकी लेंथ एल है तो बाय एल इंटू एल, आया ना? आया ना? यूं कहना चाहिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज इक्वल टू क्यू डेल्टा एक्स इंटू डी ई एक्स बाय डी एक्स, दैट इज इक्वल टू पी डी ई एक्स बाय डी एक्स। समझ में आई बात? कोई दिक्कत है?
ठीक है, लेकिन ये कब था जब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन का जो है, मतलब डायपोल जो एक्स डायरेक्शन में ही रखा हुआ है, अगर डायरेक्ट डायपोल आर टेढ़ा रखा होगा तो इसी तरीके का एक्सप्रेशन आएगा। मैं उसको आगे कर चल के लिखता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर, यहाँ तक कॉपी कर लो, काफी कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला है। नोटेड एक्चुअली जो एक्स डायरेक्शन का फोर्स आएगा वो कैसा आएगा देख लो। जब भी एक्स डायरेक्शन का फोर्स आएगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स डायरेक्शन की वजह से ही आ सकता है, क्योंकि सिंपल दो चार्जेस है। वाई डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड कभी एक्स डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगा सकता, तो सबसे पहले ध्यान रखें। एफ एक्स वेक्टर जो आएगा उस वो अगर डायपोल आड़ा टेढ़ा रखा हुआ है तो उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा पी एक्स इंटू 2 ex बाय 2x प्लस py इंटू 2 ex बाय 2y प्लस pz इंटू 2 ex बाय 2z। समझ में आई बात? इतना गंदा सा एक्सप्रेशन आया। एंड सिमिलरली आपका ये fx वेक्टर को लिखना, सबसे fx लिखना चाहिए। सिमिलरली आपका fy भी आएगा और fz भी आएगा, चीजें सेम रहेंगी, बस यहाँ पर ई एक्स की जगह ई वाई और ई एक्स की जगह ई जेड आ जाएगा इन दोनों में। समझ में आई बात? पी एक्स क्या है? डायपोल का एक्स कंपोनेंट, डायपोल का वाई कंपोनेंट, डायपोल का जेड कंपोनेंट, डायपोल मोमेंट का। इस तरीके से निकलेगा, ये सिर्फ एक्स कंपोनेंट निकलेगा, ऐसे सिर्फ वाई कंपोनेंट निकलेगा, ऐसे सिर्फ जेड कंपोनेंट निकलेगा, तब जाके आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, सॉरी नेट फोर्स निकलेगा। समझ में आई बात? सिंपल सिंपल फॉर्म में क्या है? इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग डाइपोल, तब तो सिंपल है, फोर्स इज इक्वल टू पी डी बाय डी आर। ठीक है, ये सिंपलेस्ट केस है। ठीक है, यस सर। आगे बढ़ो। देखो, फोर्स बिटवीन डाइपोल एंड पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज और एक डाइपोल के बीच में अगर फोर्स निकालना है तो यार कई लोग बोलते हैं सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से अगर मुझे कोई डाइपोल पे फोर्स निकालना है लेट से, तो सर ये चार्ज क्यू है, यहां से आर डिस्टेंस पे ये डाइपोल रखा हुआ है, मुझे इस पे फोर्स निकालना है, क्या करेंगे सर? सर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे यहाँ पे, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, तब जाके फोर्स निकालना। ऐसा क्यों कर रहे? डाइपोल की वजह से इस चार्ज की लोकेशन पे फील्ड निकालो, क्यू इंटू ई कर दो, है ना? समझ में आई बात? क्या करो, ये रहा डाइपोल, ये रहा पॉइंट चार्ज, इसके ऊपर दो फोर्स लगेगा, कौन कौन सा? एक एफ रेडियल और एक एफ टेंजेंशियल, हाँ है ना? एफ रेडियल कितना हो जाएगा? के 2 के पी क्यूब cos थीटा बाय आर क्यूब, और एफ टेंजेंशियल कितना हो जाएगा? के पी क्यू sin थीटा बाय
आर क्यूब, समझ में आई बात। तो चार्ज की वजह से डाइपोल में फोर्स क्यों निकालेंगे, जब डाइपोल की वजह से चार्ज पे फोर्स निकाल सकते हैं तो। ये वाला जो थीटा होगा बेटा डाइपोल के साथ इस आर का होगा, डाइपोल के साथ, ठीक है। अरे यार ये एक्सिस हुई, ये इक्वेटर हुआ, तो ये थीटा हुआ। अगर हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं तो इस फॉर्मूले में जो थीटा की डेफिनेशन है वही ना यूज करेंगे भाई। जब फॉर्मूला डिफाइन किया, जब फॉर्मूला डिराइव किया तो इसमें थीटा लिखा, तो थीटा की एक डेफिनेशन ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुकी है, वही यूज करेंगे। कुछ नया थीटा यहाँ पे मन से थोड़ा ना मान लेंगे। आगे बढ़े, अगला है फोर्स बिटवीन, एक सेकेंड बेटा, टू डाइपोल्स। ओके अगला है फोर्स बिटवीन टू डाइपोल्स, इसमें केस वन है। डाइपोल्स अलोंग सेम लाइन, इसमें क्या है देखिए, ये माइनस क्यू चार्ज है। देखो ये सब याद कुछ नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मूले बना नहीं रहा हूँ। ये प्लस क्यू चार्ज, या चाहो तो ये अभी जो एक्सप्रेशन आएगा उसको भले ही याद कर सकते हो, बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फॉर्मूला फॉर्मूला वाइज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पी वन वेक्टर है और यहाँ पे लेट से आपका पी टू वेक्टर, ठीक है। तो देखो इस डाइपोल की वजह से इस पॉइंट लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ इसी डायरेक्शन में होगा कि नहीं होगा, आया ना, बोलो। यार ये पॉइंट इस डायपोल पी वन का के लिए ये वाला पॉइंट एक्सिस है कि नहीं है, तो एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायपोल के लॉन्ग होता है, कोई दिक्कत है इसमें। तो फोर्स तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगेगा, किसी और डायरेक्शन में लग ही नहीं सकता, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। ठीक, अब देखो तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो सर फोर्स लगेगा पी टू डी ई वन बाय डी आर, आया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल जब सेम डायरेक्शन में, ये फॉर्मूला था ना भाई, क्या था, पी डी बाय डी आर था कि नहीं था। तो पी टू डी ई वन बाय डी आर, ओके। सो दिस मीन्स फोर्स इज इक्वल टू पी टू डी डी आर ऑफ वॉट, रेडियल डायरेक्शन का टाइप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, टू के पी बाय टू के पी वन बाय आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू टू के पी वन पी टू। आर क्यूब का डेफिनेशन क्या होता हो जाएगा, आठ बाय माइनस थ्री, तो आठ टू पावर माइनस टू बाय माइनस टू। दैट मीन्स फोर्स कितना आ गया, माइनस टू के, माइनस माइनस तो कट गया, टू बचा नहीं, माइनस टू टू तो कट कैंसिल हो गया, माइनस के पी वन पी टू बाय आर स्क्वायर। ये फोर्स अट्रैक्टिव हुआ है ना, आया ना, क्यों होना भी चाहिए था। यहां देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये प्लस और ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू पास पास में है ना, अट्रैक्शन हो, ठीक है। डायमेंशन भी सही है, नहीं
अच्छा डिफरेंशिएशन था ना बेटा, मैं इंटीग्रेट कर डाला, वही कहूँ क्या हो रहा है ये। क्या आएगा आठवा माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन कितना होगा बताइए तो। अच्छा आर टू पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन होगा माइनस थ्री इंटू आर टू पावर माइनस फोर, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स के पी वन पी टू बाय आर टू पावर फोर, ये आया फॉर्म, समझ में आई बात। उतना जरूरी फॉर्मूला नहीं है, जिसको याद करना ही करना है, बट ये एक एक्सप्रेशन आ गया फोर्स का। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है किसी को तो बता दो। ओहो पूरा मिट गया यार, कॉपी किया था किसी ने? हाँ उसको ना एक बार शेयर कर देना ग्रुप पे, ठीक है, इस वाले पेज को। ठीक है बेटा, मैं केस टू सॉल्व कर रहा हूँ, गलत बटन दब गया और डिलीट ही हो गया पूरा। आगे बढ़े, केस टू, डाइपोल केप्ट रेडियली एट इक्वेटर। ठीक है, मतलब कि एक डाइपोल तो मेरा ये रहा क्यू वन क्यू टू, इसके इक्वेटर पे, सॉरी क्यू वन क्यू टू क्यों कर रहा हूँ, जरूरत नहीं उसको। पी वन वेक्टर, इसके इक्वेटर पे दूसरा डायपोल रखा हुआ है रेडियल डायरेक्शन, ठीक है बेटा, दिस इज पी टू वेक्टर। ठीक है, अब मुझे बताइए इस पी वन की वजह से इस पी टू की लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा? इसी डायरेक्शन में रहेगा ना, आया ना, या उल्टी डायरेक्शन रहेगा? इधर रहेगा ना भाई, डाइपोल के अपोजिट डायरेक्शन रहेगा ना यार। बेसिकली पी वन वेक्टर इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इसी डायरेक्शन में लगने वाला है, रेडियल डायरेक्शन में लग ही नहीं सकता, लग सकता है क्या? लग सकता है क्या? मान लेते डिस्टेंस जो इधर जा रही हूं वाई में मेजर की जा रही है, इधर अपना एक्स एक्सिस, तो मेरा फोर्स तो आएगा एक्स डायरेक्शन में, एफ एक्स कितना हो जाएगा सर? एफ एक्स हो जाएगा, या एफ वेक्टर, एफ इज इक्वल टू सिंपली एफ एक्स, दैट इज इक्वल टू क्या होगा? पी टू डो डो वाई ऑफ एफ एक्स, आया ना, ये समझ में आया? सॉरी डो डो वाई ऑफ एफ एक्स नहीं, ई एक्स, ये समझ में आया कि नहीं? क्योंकि हमारा पी टू सिर्फ और सिर्फ वाई डायरेक्शन में ही है, इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन का यूज किया, एफ एक्स का, एफ एक्स निकालना था, पी एक्स जीरो पी वाई जीरो, राइट, सॉरी पी एक्स जीरो पी जेड जीरो, तो बचा क्या? पी वाई डो 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 वाई ऑफ ई एक्स बचा कि नहीं बचा बताइए?
ऐसे सोचो यार, पी टू से आप एक्स डायरेक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड किस रेट से चेंज हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे फोर्स, एक्स डायरेक्शन का फोर्स, ठीक है? इसकी लोकेशन यहां से यहां जाने में एक्स डायरेक्शन का फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रेट से चेंज हुआ, कितना चेंज आया उसमें, उससे मल्टीप्लाई कर दो किस रेट से चेंज हुआ, ठीक है? तो दैट इज इक्वल टू पी टू टाइम्स डो डो वाई ऑफ, यहां पर ई एक्स का एक्सप्रेशन क्या है, ये कौन सा इक्वेटर पे ई एक्स का एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस के पी वन बाय आर क्यूब, दैट इज इक्वल टू माइनस के पी वन पी टू इंटू आर टू पावर माइनस फोर बाय, बाय थोड़ा आएगा, इंटू माइनस थ्री, दैट इज इक्वल टू प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, थ्री के पी वन पी टू बाय आर टू पावर फोर, ये आ गया आपका फोर्स का फॉर्म, इस डायरेक्शन में ये एक्स डायरेक्शन, इस पर ऊपर नेट फोर्स लगेगा उधर लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत? कॉपी हो गया, ठीक हो गया। केस थ्री, डाइपोल केप्ट रेडियली, ठीक है? डाइपोल केप्ट रेडियली एट जनरल पॉइंट, तो देखो ये एक डाइपोल है P1, दूसरा डाइपोल इसके साथ ऐसे रखा हुआ, ऐसे पी टू, ठीक है? तो इस डाइपोल पे भी एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है, इस पे फोर्स कितने लगेंगे, दो फोर्स लगेंगे, क्यों सर? एक तो आपका रेडियल फोर्स हो जाएगा, एक आपका टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा, हाँ या ना बोलो? तो ये डिस्टेंस आर है, अगर तो मैं बोलूंगा एफ रेडियल इज इक्वल टू पी टू डी एफ रेडियल बाय डी आर, दैट इज इक्वल टू पी टू डी डी आर ऑफ रेडियल डायरेक्शन का फोर्स कितना होता है, टू के पी कॉस थीटा, ये थीटा गिवन है आपको, बाय आर क्यू, दैट इज इक्वल टू टू के पी वन पी टू, पी वन है ना, पी वन पी टू कॉस थीटा इंटू वन बाय आर टू पावर माइनस थ्री का डिफरेंशिएशन, माइनस थ्री इंटू आर टू पावर माइनस फोर, दैट इज इक्वल टू माइनस सिक्स के पी वन पी टू कॉस थीटा बाय आर टू पावर फोर, ठीक है? कोई दिक्कत? सिमिलरली
आपका जो टेंजेंशियल फोर्स आ जाएगा दैट विल बी माइनस 3 K P1 P2 साइन थीटा बाय आर टू पावर फोर। आप बोलोगे सर इसमें माइनस क्यों आएगा, क्योंकि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, फोर्स उधर लगे। सेम काम करोगे आ जाएगा आंसर जैसे पिछले क्वेश्चन में गया। ठीक है बेटा, तो रेडियल डायरेक्शन में डायपोल चाहे यहां रखा हो चाहे यहां रखा हो चाहे ऐसे जनरल पॉइंट पे रखा हो, तुमने निकाल लिया है ना, उनके बीच में फोर्स निकाल लिया, राइट। ठीक है बेटा, चलो फिर फोर्स बिटवीन डाइपोल्स भी हो गया। अब इसका यार टेंजेंशियल वाला ना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, आई एम नॉट गोइंग थ्रू, मैं उधर नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें फिर आपको रेडियल रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा, जो फिर डिफिकल्ट पड़ जाएगा। ठीक है, तो अपन उधर नहीं जा रहे, ठीक है, यहीं पर छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आ गया उसका तो बेटर है छोड़ दो, वो सब पढ़ने के चक्कर में बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट छूट जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। ऑलरेडी रेडियल वाला ही काफ़ी ठीक ठाक अच्छा कॉम्प्लेक्स हो गया कि नहीं हो गया आपके लिए? लग रहा है ना थोड़ा डिफिकल्ट, परेशान मत हो। वो टेंजेंशियल वाला तो मैं नहीं करा रहा, क्योंकि उसमें तो एकदम अलग ही जाना पड़ेगा, रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस। ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में काफी बात कर चुके हैं आज ही की क्लास में, बट एक बार फॉर्मली इसको कंप्लीट कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है? अच्छा, हमारा क्लास का टाइम होने वाला है क्या, खत्म होने वाला है क्या हमारा क्लास का टाइम? ठीक है चलो, हाँ बेटा, हाँ जो नाम बता रहा ना इक्विपोटेंशियल, ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस विल हैव सेम पोटेंशियल। ठीक है, सरफेस के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब कि डीवी कितना हो जाएगा, जीरो, मतलब कि माइनस ई वेक्टर डॉट डीआर वेक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। डीआर वेक्टर क्या है, जब हम लोग मूव करेंगे ऑन सरफेस, है ना, दैट मींस डीआर वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स सरफेस या इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। यहां पर नोट करने लायक बात क्या है, ऑल मेटलिक सरफेसेस आर इक्विपोटेंशियल। समझ में आई बात?
कॉपी हो गया। चलिए सारे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सारे के सारे मेटलिक सरफेसेस क्या होते हैं? इक्विपोटेंशियल होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है सरफेस के मेटल पे। तो अब ध्यान दो, कई बार अलग अलग बुक्स में मैंने क्या ऊटपटांग एक्सप्लेनेशन देखे हैं बता देता हूँ। कई बार बुक्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर जीरो, ठीक है? तो जवाब क्या देते हैं लोग कि देखो भैया, कंडक्टर जो है वो इक्विपोटेंशियल है, कंडक्टर के अंदर भी पूरा वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल होता है। सरफेस तो इक्विपोटेंशियल है, वॉल्यूम भी इक्विपोटेंशियल, क्योंकि डीवी जीरो है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। समझ में आई बात? ये एक्सप्लेनेशन देते हैं ना। ये एक्सप्लेनेशन क्या है कि ठीक है यार, काम चला हुआ है, बट प्रॉब्लम इसमें साथ क्या है कि असली में उल्टी चीज हो रही है। ये वॉल्यूम इक्विपोटेंशियल इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नहीं बचेगी, है ना? समझ में आई बात? आया ना? देखो, मैं कह रहा हूं कि मेटल का वॉल्यूम जो है वो भी इक्विपोटेंशियल होता है। क्यों होता है इक्विपोटेंशियल? तो लोग कहते हैं कि अच्छा, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है? तो कई बुक्स में दे रखा होता है कि देखो, मेटल जो है वो इक्विपोटेंशियल है, हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इसलिए किसी पॉइंट से किसी पॉइंट पे जाओगे तो वर्क करना कितना पड़ेगा? जीरो करना, वर्क करना पड़ेगा, है ना? इसका मतलब एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर हर डायरेक्शन में जीरो है, मतलब एफ जीरो है, मतलब ई जीरो है, ये बोल। बट बात की शुरुआत, आर्ग्यूमेंट की शुरुआत कहाँ से की उसने? कि मेटल के अंदर मेटल जो इक्विपोटेंशियल है, ये कैसे बोल दिया कि मेटल इक्विपोटेंशियल है? ये कैसे बोल दिया कि मेटल इक्विपोटेंशियल है? उसका जवाब ये है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इसलिए मेटल इक्विपोटेंशियल है। मतलब कि रीजन में आपस में घुमा दिया, इक्विपोटेंशियल इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो इसलिए पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल। गड़बड़ कर दी ना? असली रीजन क्या है? सही से पहला रीजन कहां से आएगा कि देखो, अगर मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, हम कह ही नहीं सकते इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे होंगे, मतलब उसके ऊपर फोर्स जीरो होगा, मतलब उसके ऊपर मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर एट रेस्ट। ओके, समझ में आई बात? इसके बाद अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसलिए किसी पॉइंट से किसी पॉइंट के जाने के में आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, इसलिए पूरा का पूरा वॉल्यूम क्या? इक्विपोटेंशियल। इसके बाद आप भले ही आ सकते हो कि पूरा वॉल्यूम अगर इक्विपोटेंशियल है, मतलब कि आपके इस पॉइंट ए का पोटेंशियल और इस पॉइंट बी का पोटेंशियल सेम है, इस पॉइंट सी का पोटेंशियल भी, डी का पोटेंशियल, सब सबका पोटेंशियल सेम है, सबका पोटेंशियल पॉइंट ओ के पोटेंशियल के बराबर है, क्योंकि अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। आया ना? मतलब इस मेटल का सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल है, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा इसके नॉर्मल होंगी। ये आप भले ही आर्गुमेंट कर सकते हो कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होगा, वो एक्सप्लेन करना मेरे इलेक्ट्रॉन वाले मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट था ना। ऐसे तो हो ही जा रहा था उससे भी एक्सप्लेन, कि जो फोर्स है उसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट लगेगा वगैरह वगैरह, याद है? बट उसके बिना भी एक्सप्लेन हो जा रहा है, कैसे? क्योंकि
क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है इसलिए ये वॉल्यूम इक्वी पोटेंशियल है, मतलब ये सरफेस भी इक्वी पोटेंशियल है, मतलब हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के नॉर्मल। ठीक है बेटा, अब तो एक्सप्लेन हो गया। यस सर, कोई दिक्कत? तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वी पोटेंशियल सर्फेस को कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, अच्छा एक चीज सुनो, अभी एक सेकंड।